हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम द टाइगर किंग का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? बॉट, बॉट मीन्स होता है क्या, बिल हो गई हेल्पिंग वर्ब जो महाराजा है, डू मतलब होता है करना, तो महाराजा क्या करेंगे, टू फाइंड मतलब होता है प्राप्त करने के लिए, तो महाराजा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, क्या प्राप्त करने के लिए, तो आगे लिखा है द रिक्वायर्ड नंबर मतलब आवश्यक संख्या, और किसकी आवश्यक संख्या, तो लिखा है ऑफ टाइगर्स मतलब बाघों की आवश्यक संख्या को प्राप्त करने के लिए महाराजा क्या करेंगे, और क्यों प्राप्त करना चाह रहे थे, टू किल मतलब मारने के लिए प्राप्त करना था उनको। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका ये सेंस है कि जो महाराजा ने क्या ली थी, प्रतिज्ञा ली थी 100 टाइगरों को मारने की, तो वो उनमें से उन्होंने 70 टाइगर का कर दिए थे, मार दिए थे। अब उसमें से 30 जो आवश्यक संख्या बची थी 100 को पूरा करने के लिए, तो उसको प्राप्त करने के लिए महाराजा क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक बार और समझ लेते हैं। तो महाराजा, डू मतलब होता है करना, तो बिल लगा तो क्या हो गया, महाराजा क्या करेंगे, टू फाइंड मतलब प्राप्त करने के लिए, और प्राप्त करने के लिए द रिक्वायर्ड नंबर मतलब आवश्यक संख्या और काय की ऑफ टाइगर्स की, और क्या करना था उनका, टू किल मतलब मारने के लिए प्राप्त कर रहे थे वो, है ना। चलिए तो आंसर देखते हैं, तो क्या करेंगे वो, तो लिखा है विद इन 10 ईयर्स मतलब 10 साल के अंदर अंदर, तो जो महाराजा है वो क्या हो जाते हैं, बाज एबल मतलब योग्य हो जाते हैं। क्या लिखा है, द महाराजा बाज एबल मतलब योग्य हो गए, समर्थ हो गए, काय में समर्थ हो गए, टू किल मतलब मारने में, कितने मारने में, 70 टाइगर्स, तो 70 बाघों को मारने में क्या हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। कितना, क्या लिखा है इसमें, जो महाराजा हैं वो क्या हो गए थे, बाज एबल हो गए थे, काय में योग्य हो गए थे, टू किल मतलब मारने में, और किसको मारने में, 70 टाइगर्स को मारने में वह समर्थ हो गए थे। अब फिर उसके बाद उन्होंने 70 टाइगर्स के बाद क्यों नहीं मारे, क्योंकि देन मतलब फिर जो टाइगर की पॉपुलेशन थी, जो शेरों की आबादी थी, वो बी का मतलब हो जाती है, क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त हो जाना, तो जो बाघों की आबादी थी तो वो क्या हो गई थी, विलुप्त हो गई थी। कहां से विलुप्त हो गई थी, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगलों से, कहां के जंगलों से, ऑफ प्रतिबंपुरम के मतलब उनका राज्य जो था, उनके राज्य के जंगलों से जो बाघों की आबादी है वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो कितनी स्टेप हो गई, दो स्टेप हो गई, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। तो क्या हुआ, 10 साल के भीतर भीतर, इसके लिए इंग्लिश में क्या लिख देंगे, विद इन 10 ईयर्स लिख देंगे। अब 10 साल के अंदर महाराजा ने क्या किया था, बाज एबल हो गए थे, योग्य हो गए थे, किसके योग्य हो गए थे, टू किल मतलब मारने में योग्य हो गए, और किसको मारने में, 70 टाइगर्स को मारने में समर्थ हो गए थे। देन मतलब होता है फिर जो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी, मतलब बाघों की जो आबादी थी, वो बीकम मतलब हो गई और एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो गई थी। कहां से विलुप्त हो गई थी, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगलों से, कहां के जंगलों से, ऑफ प्रतिबंपुरम के जंगलों से, ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसलिए वो क्या नहीं हो पाए, आगे टाइगरों को मारने में समर्थ नहीं हो पाए थे। अब उनने जो प्रतिज्ञा ली थी उसको तो पूरा करना था, तो इसके लिए पूछा जा रहा वो क्या करेंगे। तो अब आंसर उसका लिखा है, वन डे मतलब एक दिन जो महाराजा हैं वो क्या करते हैं, सेंड फॉर मतलब बुलवा लेते हैं, किसको बुलवाते हैं, दीवान को, और दीवान को बुलवाने के बाद और उससे टोल्ड मतलब कहा है, मतलब उससे कहा, क्या लिखा है, बंडे मतलब एक दिन, जो महाराजा हैं सेंड फॉर मतलब बुलवाते हैं, किसको बुलवा लिया भाई, तो अपन लिख देंगे दीवान को बुलवा लिया। बुलवाने के बाद उससे क्या कहा, तो लिखा है टोल्ड है मतलब उससे कहा, और क्या कहा, दैट मतलब कि ही हैड डिसाइडेड, उन्होंने क्या किया है, निर्णय ले लिया है, काय का निर्णय ले लिया है, टू गेट मैरिड मतलब शादी करने का उन्होंने निर्णय ले लिया है, ये दीवान को बात बताई। अब दीवान को क्या करना था, तो लिखा है द दीवान बाज इन्वेस्टिगेट, उसको क्या करनी थी, जांच पड़ताल करनी थी। अब महाराजा ने आदेश दे दिया, किसको दे दिया, दीवान को, कि वो क्या करे, इन्वेस्टिगेट करे, और किस चीज का इन्वेस्टिगेट करे, इफ मतलब क्या, यहां पर जो इफ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसका मतलब क्या निकलेगा, दरवाजा गर्ल, क्या कोई ऐसी लड़की है, ही मतलब महाराजा, और कुड मतलब सके, और क्या कर सके, मैरी मतलब शादी कर सके, और कहां करेंगे शादी, वो इन द रॉयल फैमिली में ही करेंगे, रॉयल फैमिली मतलब होता है शाही परिवार, और जो शाही परिवार हो वो कहां का हो, ऑफ स्टेट मतलब राज्य का हो, और कैसा राज्य हो, वित्त मतलब के साथ, क्या होना चाहिए उस राज्य के साथ, अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन मतलब, लार्ज मतलब होता अधिक, और टाइगर पॉपुलेशन मतलब बाघों की आबादी क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, ऐसे राज्य से आपको क्या करना है, ऐसी लड़की ढूंढना है, ये दीवान को आदेश दिया गया था। फिर से देख लेते हैं एक बार और, क्या लिखा है, वन डे मतलब एक दिन, जो महाराजा हैं क्या करते हैं, सेंट फॉर मतलब बुलवा लेते हैं, किसको बुलवा लिया,
लिया, उसका नाम लिख दे, दीवान को बुलवा लिया। दीवान अब उनके सामने खड़ा है, अब खड़ा है तो उसको आदेश देते हैं, तो क्या लिखा है, वो दीवान से कहते हैं, तो क्या लिखा है, टोल्ड हिम, मतलब उससे कहा, क्या बात बताई उन्होंने कि ही हैड डिसाइडेड, उन्होंने क्या कर लिया है, डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया है, काय का निर्णय ले लिया है, टू गेट मैरिड, मतलब शादी करने का निर्णय ले लिया है। तो ये दीवान को बात बताई, अब दीवान को आदेश था कि अब वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करे, तो लिखा है दीवान वाज टू इन्वेस्टिगेट, दीवान को क्या करना था, अब इन्वेस्टिगेट करना था, किस चीज का जांच पड़ताल करनी थी उसको, इफ देयर वाज अ गर्ल, क्या कोई ऐसी लड़की है, और ही मतलब यहां प्रोनाउन से महाराजा का ही, वह क्या करेंगे, कुड मैरी, मतलब जिससे वह शादी कर सके, और कहां करेंगे, इन द रॉयल फैमिली, मतलब शाही परिवार की लड़की से करेंगे, ऑफ स्टेट, मतलब राज्य की होना चाहिए, और कैसा राज होना चाहिए, विद, मतलब के साथ, उस राज के साथ क्या होना चाहिए, अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, मतलब शेरों की, बाघों की आबादी क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, ऐसे राज से आपको क्या करना है, एक गर्ल को इन्वेस्टिगेट करना है। अब देखते हैं तो वो दीवान इन्वेस्टिगेट कर पाया नहीं कर पाया, तो लिखा है दीवान फाउंड, फाउंड मतलब क्या होता है, ढूंढ लेता है, किसको ढूंढ लेता है, राइट गर्ल, मतलब एक सही लड़की को ढूंढ लेता है, कहां से ढूंढ लिया उसने, फ्रॉम अ स्टेट, मतलब राज्य से ढूंढ लिया, और कहां, कैसे राज्य से ढूंढा था, बिच मतलब जिसके हेड, मतलब पास क्या था, ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, उस राज्य के पास क्या थी, लार्ज नंबर थे, काय के लार्ज नंबर थे, टाइगर्स मतलब बाघों की अधिक संख्या थी। क्या देखा है, द दीवान फाउंड कर लेता है, प्राप्त कर लेता है या ढूंढ लेता है, किसको ढूंढ लेता है, द राइट गर्ल को ढूंढ लेता है, कहां से, फ्रॉम अ स्टेट, एक राज्य से ढूंढ लेता है, कैसे राज्य से ढूंढ लेता है, तो क्या लिखा है, बिच मतलब जिसके हेड, मतलब पास क्या थी, लार्ज टाइगर की क्या थी, पॉपुलेशन थी, मतलब अधिक संख्या थी उस राज्य के पास, ऐसी वह लड़की को ढूंढ लेता है, महाराजा की उससे क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, फिर महाराजा जो है ना क्या करते हैं, द महाराजा किल्ड करते हैं, कितने करते हैं, 5 or 6 टाइगर्स को, ईच टाइम मतलब प्रत्येक बार में, और कब, ही मतलब वह विजिट, मतलब घूमने जाते, कहां जाते, हिज फादर एंड लो, जब अपनी वह ससुराल घूमने जाते थे तो कितने टाइगर को किल करके आते थे, 5 or 6 टाइगर को प्रत्येक बार में मार के आते थे। क्या लिखा है, महाराजा क्या करते, फिर उसके बाद किल्ड कर देते थे, कितने किल करते, 5 or 6 टाइगर्स को, ईच टाइम मतलब प्रत्येक बार में, और कब करते थे, जब वह क्या करते थे, ही विजिटेड, जब वह विजिट करते थे, कहां घूमने जाते, हिज फादर एंड लॉ, अपने ससुराल घूमने जाते, तो वो 5 or 6 शेर का टाइगर को क्या करके आते थे, मार कर आते थे। तो इस प्रकार से 10 मतलब इस प्रकार से ही वाज एबल, वह योग्य हो गए, काय में योग्य हो गए थे, टू फाइंड मतलब प्राप्त करने में, और क्या प्राप्त करने में, द रिक्वायर्ड नंबर मतलब आवश्यक संख्या जो थी उसको प्राप्त करने में क्या हो गए थे, समर्थ हो गए थे, और किसकी, टाइगर की, टू किल मतलब मारने में, और इस प्रकार से ही शॉट उन्होंने शूट किए, कितने, 99 टाइगर्स, तो वहां से अपनी ससुराल से थे 29 टाइगर को उन्होंने क्या कर दिया, वहां से किल कर दिया, तो उनकी पूरी जो संख्या थी कितनी हो गई थी, 99 टाइगर को हो गई थी। चलिए एक बार और समझ लेते हैं, तो क्या पूछा है, महाराजा आवश्यक संख्या को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो महाराजा सबसे पहले लिखा है कि जो 10 साल के भीतर भीतर, क्या लिखा है, विद इन 10 years, 10 साल के भीतर भीतर क्या कर देते हैं, महाराजा बाज एबल हो गए थे, काय में एबल हो गए थे, टू किल मतलब मारने में, किसको मारने में योग हो गए थे, 70 टाइगर्स को मारने में समर्थ हो गए थे। देन मतलब फिर इसके बाद जो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो जाती है, बीकम मतलब हो गई थी, क्या हो गई थी, एक्सटेंड मतलब विलुप्त हो गई थी, कहां से हो गई थी भाई, इन द फॉरेस्ट हो गई थी, कौन से फॉरेस्ट से हो गई थी, अपन लिख देंगे प्रतिबंपुरम के फॉरेस्ट से हो गई थी। अब वो परेशानी में थे, इसलिए एक दिन सोच रहे थे, और सोचते सोचते उन्होंने बंडे मतलब एक दिन क्या किया, महाराजा ने सैंडफोर्ड मतलब बुलवाया, किसको बुलवा लिया, दीवान को बुलवा लिया, और दीवान को बुलवाने के बाद टोल्ड मतलब कहा मतलब उससे, और क्या क्या दिया, दैट ही हैड डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय ले लिया है, काय का निर्णय ले लिया है, टू गेट मैरिड मतलब शादी करने का उन्होंने निर्णय ले लिया है, ऐसा दीवान से कहा। अब दीवान को क्या करना था, दीवान वाज टू इन्वेस्टिगेट करनी थी भाई, अब किस चीज का इन्वेस्टिगेट करना था, इफ देयर वाज अ गर्ल, कैसी कोई लड़की है, ही मतलब महाराजा के लिए प्रोनाउंस आया है, कुड मैरी, जिससे वह क्या कर सके, शादी कर सके, और शादी कहां करेंगे, इन द रॉयल फैमिली में ही करेंगे, ऑफ द ऑफ स्टेट मतलब राज्य की शाही परिवार की लड़की से ही करेंगे, और कैसा स्टेट होना चाहिए, विद द लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, बाघों की आबादी क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो दीवान ने ऐसा काम किया और उसको प्राप्त कर, मतलब उसकी जांच पड़ताल की, तो उससे प्राप्त भी हुई। तो लिखा था दीवान फाउंड कर लेता है, किसको फाउंड कर लेता, द राइट गर्ल को, और कहां से की उसने, फ्रॉम अ स्टेट से, और कैसे स्टेट से, बिच हेड, जिसके
पास क्या थी, अ लार्ज टाइगर, द लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, मतलब उस राज्य के पास क्या थी, अधिक संख्या थी बाघों की। अब महाराजा की मैरिज हो जाती है, फिर इसके बाद जब वो कहाँ जाते थे, ससुराल जाते थे, तो महाराजा क्या कर देते हैं, किल करके आते थे कितने, 5 और 6 टाइगर्स, ईच टाइम प्रत्येक बार में 5 और 6 टाइगर को किल करके आते थे। कब, ही विजिट हिज फादर इन लॉ, जब अपने ससुराल घूमने जाते थे। तो इस प्रकार से 10 मतलब क्या हो गया, इस प्रकार से ही वाज एबल हो गए थे, काम एबल हो गया टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। और फिर उन्होंने कितने टाइगर्स को वहां पर से किल किया था, तो लिखा ही शॉट, उन्होंने मारे कितने, मारे 99 टाइगर्स मारे थे।